हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में जादू टोना तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की कॉमिक शैतान का बेटा का पहला भाग। यह इसका कवर पेज। खून जमा देने वाली हाहाकारी दहशतनाक रोमांचक कथा। चित्रांकन हरविंद्र मांकड़, कथा अंसार अख्तर। रूपगढ़ के घने जंगलों में चार बंजारे युवक अपने काफिले से बिछड़कर भटक रहे थे। सॉरी सोमू भैया, रात हो गई है, अब तो यहीं पड़ाव डाल दो। मैं भी यही सोच रहा था, कोई सुरक्षित स्थान देकर पड़ाव डाल देते हैं शीघ्र ही। अरे ये खंडहर कैसे हैं, किसी हवेली के लगते हैं। यह तो मारा माछी की हवेली लगती है। मारा माछी कौन? मारा माछी एक अत्याचारी आदमी था। एक बार वह गांव की एक लड़की को उठा लाया था, जिससे क्रोध होकर गांव वालों ने उसकी हवेली में आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया था। असमय मृत्यु के होने के कारण वह प्रेत बन गया। कहते हैं वह अपनी हवेली के निकट से गुजरने वाले सब आदमियों को मार डालता है। फिर तो हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। जंगल में हमें इससे सुरक्षित स्थान और नहीं मिलेगा, भीतर चलो। सोमू को वे लोग बड़ा मानते थे, इसलिए उसका विरोध ना कर सके। डर तो लग रहा है, मगर सोमू भैया का कहना तो मानना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। ये जगह ठीक है, थोड़ी लकड़ियां चुनकर आग जला लो। सुबह होते ही यहां से निकल पड़ेंगे। तभी घोड़ा हिनहिना रहा है, लगता है भूखा है, उसे थोड़ा चारा डाला। क्या बात है राजा? अचानक राजा अगले पल ये क्या राजा? तभी सटाक उफ सटाक। भोला और लालू भय के कारण जड़बट बैठे थे। तभी बचाओ फिर थार। तभी भोला और लालू जैसे नींद से जागे। भोला लालू अचानक लालू हे भगवान। फिर फटाक बोला भागो। तभी खचाक आई। कुछ देर बाद वहां शांति छा चुकी थी। मारा माछी का शिकार बने नाभागों के विषय में कोई नहीं जान सका था, क्योंकि उस भूतिया हवेली के निकट से कोई इंसान नहीं गुजरता था। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद। सोनिया डियर, अगर हम जंगल के रास्ते से चलें तो डरोगी तो नहीं? मैं कर्नल की बेटी हूं, प्रताप सिंह, डरना मैंने सीखा ही नहीं। तो फिर ठीक है, मैं जंगल से शॉर्टकट लगाता हूं। प्रताप सिंह वास्तव में रूपगढ़ का जमींदार था। उसकी पत्नी सोनिया मां बनने वाली थी, इसलिए वह उसका शहर में चेकअप करवाकर वापस लौट रहा था। कुछ देर बाद, अरे ये खंडहर कैसे हैं? एक पुरानी हवेली है, लोग कहते हैं यहाँ प्रेत का निवास है। तभी घर घर ओ क्या हुआ प्रताप डियर? इंजन बंद हो गया, शायद रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है। यस मैडम, पानी ही खत्म हुआ है, अब क्या करें? उस हवेली के प्रेत से मांग लाओ। क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास करती हो? बिल्कुल नहीं, मैं भी नहीं करता। खैर तुम यहीं बैठो, निकट ही एक तालाब है, मैं पानी लेकर आता हूँ। ओके। प्रताप के जाने के बाद चांदनी में वह खंडर कितने रहस्यमय लग रहे हैं। प्रताप को वापस आने में देर लगेगी। इस बीच एक नजर खंडहर को निकट से देखाती हूं, अंदर चलकर देखना चाहिए। ये हवेली का कॉरिडोर है, आगे कमरे भी होंगे। ओ ये कैसी आवाज है? कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम था। फिर वह आगे चल पड़ी, उस कमरे में देखना चाहिए। जैसे ही वह कमरे के निकट पहुंची, ओ उफ कितनी बदबू है। अचानक हा 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 कौन? कौन हो तुम? मैं मारा माझी हूँ, इस हवेली का मालिक, मेरे निकट ना आना। हा, यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मैं गोली चला दूंगी। प्रताप उस समय तालाब पर था। अरे ये तो गोली चलने की आवाज है। सोनिया थाए उफ पता नहीं किस पर गोली चला रही है वह। अचानक
उधर खंडहरों में, हा 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 तुम मुझे नहीं मार सकती, नहीं, ई, हा 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 हा, आ, हा 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 हा। दूसरी ओर, सोनिया कहाँ गई वह, कहीं हवेली में ना चली गई हो, सोनिया सोनिया कहाँ हो तुम, सोनिया। फिर जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचा, हे भगवान, सोनिया क्या हो गया तुम्हें, उठो इसे तुरंत डॉक्टर के पास शहर ले जाना होगा। कार के रेडिएटर में पानी डालने के बाद वह वहां से रवाना हो गया। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकले, आह प्रताप क्या हुआ डार्लिंग, तुम बेहोश क्यों हो गई थी। प्रताप मैंने उस हवेली में मारा माची का प्रेत देखा था, उसने मुझे पकड़ लिया और मैं बेहोश हो गई। तुम्हें वहम लगा होगा या फिर तुमने किसी जंगली जानवर को देखा होगा, प्रेत व्रेत कुछ नहीं होते। नहीं प्रताप मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे देखा था। लगता है डर के कारण तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है, पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। नहीं प्रताप मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सीधे घर चलो, मैं आराम करना चाहती हूँ। ओके। कुछ ही देर में वह घर पहुँच गए। सलाम मालिक। सलाम मालकिन। कुछ ही दिनों में सोनिया वह घटना भूल गई थी और घर संभालने में व्यस्त हो गई थी। दीनू तुम हटो, साहब के लिए चाय मैं बनाती हूँ। जी मालकिन। सोनिया मैं ज़रा कचहरी तक जा रहा हूँ, जल्दी आना, मैं खीर बनाकर रखूँगी। इस तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद सोनिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा मुबारक हो, आपको भी। प्रताप ने बच्चे का नामकरण बड़ी धूमधाम से किया था। हमारे बेटे का नाम भानु प्रताप होगा, बहुत अच्छा नाम है। नामकरण के कुछ दिन बाद एक रात प्रताप अपनी स्टडी में कुछ काम निपटा रहा था और सोनिया बच्चे के साथ बेडरूम में सोई हुई थी। अचानक अगले पल सोनिया गहरी नींद सो रही थी। तभी अरे भानु कहाँ गया, हे भगवान ये मैं क्या देख रही हूं, नहीं, चपड़ चपड़ चपड़। सोनिया की चीख सुनकर, क्या हुआ सोनिया, सोनिया होश में आओ सोनिया, क्या हुआ सोनिया, तुम चीखी क्यों थी। भानु प्रताप, भानु तो ये लेटा तुम्हारे पास, मगर ये तो छत पर था। वाट आर रमेश, सपना देख रही थी क्या। मैं सच कह रही हूँ प्रताप, ये कुछ देर पहले छत पर रेंग रहा था, मेरे सामने इसने एक छिपकली पकड़ी और उसे खा गया। कैसी गंदी बातें कर रही हो, ये नन्ना सा बालक छत पर कैसे जा सकता है। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, सपना देखा होगा तुमने, चलो अब सो जाओ। काश वह सपना ही हो प्रताप। उस दिन के बाद से हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी थी। एक सुबह, अरे बिल्ली को क्या हुआ, किसी आवारा कुत्ते का काम लगता है, वह रात को बाग में घुस आया होगा। ऐसा ही लगता है मालिक, मैं इसे बाहर फेंकाता हूँ। एक रात जब प्रताप सिंह काम से बाहर गया हुआ था, अरे भानु कहाँ गया। भानु उस समय कोठी के पिछवाड़े में बने खरगोशों के पिंजरे में खड़ा था। कुछ ही देर में उसने पिंजरे के सारे खरगोश मार डाले थे। उधर भानु को ढूंढते हुए सोनिया जैसे ही कोठी से बाहर निकली, प्रताप तुम, हाँ काम जल्दी निपट गया था इसलिए मैं घर लौट आया, लेकिन तुम कहाँ जा रही थी। प्रताप भानु कमरे में तो नहीं है, पता नहीं वह कहाँ चला गया। क्या कह रही हो, चलो मैं देखता हूँ। कमरे में घुसते ही, ये क्या है, अरे इसे कौन ले आया। आजकल तुम सपने बहुत देखने लगी हो सोनिया। नहीं प्रताप मैं सच कह रही हूँ, डोंट बी सिली सोनिया, जाओ भानु को चुप कराओ, शायद भूखा है बेचारा, मुझे तो अब इस बच्चे से डर लगता है। सुबह, मालिक मालिक। क्या है दीनू, गजब हो गया मालिक, किसी जानवर ने हमारे सारे खरगोशों को मार डाला है। क्या, हे भगवान। पिंजरे का दृश्य देखकर प्रताप हैरान रह गया। उफ, लगता है इन्हें किसी वहशी जानवर ने मारा है। मगर प्रताप पिंजरा तो बाहर से बंद है, फिर वह जानवर भीतर कैसे घुसा होगा। नेवला भी खरगोश को मार डालता है, शायद नेवला ही अंदर घुसा होगा। लेकिन प्रताप नेवला तो अपने शिकार का मांस खा जाता है, जबकि खरगोशों को खाया नहीं गया। तुम इस बारे में सोचकर परेशान मत हो, भीतर चलो। प्रताप लगता है हम किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं, तुम बेकार ही डर रही हो, आओ भीतर चलो। अगली रात था। कुछ ही देर बाद, जागते रहो। प्रताप बाबू कह रहे थे कि रात में कोई जानवर उनके बाग में घुसाता है, आज यहां नजर रखूंगा। उस खंभे से टेक लगाकर बीड़ी खींचता हूं। जैसे ही वह उस खंभे के निकट पहुंचा, क्या बला है के, हा 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 हा। अगली सुबह किसी जंगली जानवर का काम लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस क्षेत्र में कोई जंगली जानवर आ चुका है, उसने मेरे भी कई पालतू जानवर मार डाले हैं। मैं आज इस क्षेत्र में पुलिस गश्त का प्रबंध कराता हूँ। उसी दिन दोपहर को, अलख निरंजन
प्रणाम महाराज। भानु के झूले के निकट पहुंचते ही साधु बाबा बुरी तरह चौंक पड़े। नहीं, क्या हुआ महाराज? अनर्थ, यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या बात है महाराज? साधु बाबा उसे एक और ले आए। यह बालक इंसान नहीं है पुत्री, तेरी कोख से एक शैतान ने जन्म लिया है। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? साधु बाबा ने उसे बहुत देर तक कुछ समझाया, फिर कुछ मंत्र पढ़कर हवा में हाथ ऊंचा किया। तुझे शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं आया है, लेकिन यह कील अपने पास रख ले। यह उस शैतान को समाप्त करने का अस्त्र है। जब उसे खत्म करना चाहे, यह कील उसके दिल में गाड़ देना। सोनिया को भयभीत और असमंजस में छोड़कर साधु बाबा वहां से चले गए। शाम को सोनिया ने प्रताप को महाराज की कही हुई बातें बताई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सोनिया? खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बातें सोची। जी, उसी रात प्रताप अपनी स्टडी में बैठा कुछ काम निपटा रहा था। महाराज सच कह रहे थे, यह सचमुच शैतान की औलाद है। उधर प्रताप किसी काम से स्टडी से निकला। अरे भानु, नहीं, कुछ ही क्षण में। तो सचमुच शैतान हूं? हाँ, मैं तेरी संतान नहीं हूं, मैं मारामाची हूं। मारामाची? ओ उफ, हाँ, और अब मैं तुझे खाऊंगा। छोड़ दे, मुझे प्यास लगी है और मेरी प्यास तेरे खून से बुझती है। तभी ठहरो, तुम यहां क्यों आ गई माँ? मैं अपने खून से तेरी प्यास बुझाने आई हूं। नहीं, मारामाची अपनी माँ का खून नहीं पी सकता, तुझे आज मेरा ही खून पीना होगा। तुम यहां से चली जाओ माँ। तभी सोनिया का हाथ तेजी से घूमा। खचाक, नीचे गिरे हुए प्रेत का शरीर अब मृत शिशु का रूप ले चुका था। प्रताप, होश में आओ, होश में आओ प्रताप, यह हमारा बेटा नहीं था। अब मैं समझी, उस रात जंगल में शैतान मारामाची ने हमारे बेटे की हत्या करके उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। बस सोनिया, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो भी हो, इसे जन्म तो मैंने ही दिया था, इसके अंदर की बुरी आत्मा अब निकल चुकी है सोनिया। कल हम इसका अपने पुत्र की तरह ही अंतिम संस्कार करेंगे और उसके बाद इन सारी घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर भूल जाएंगे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।